हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिप्सित आर्ट। तो आज की वीडियो में मैं कोई ड्राइंग या स्केच नहीं करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो हम आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब एक स्केच करने वाले होते हैं तो फोटो बहुत अच्छे से धुनने लगते हैं हम लोग। और वो फोटो अच्छे होने के लिए हम गूगल या फिर कोई वेबसाइट से फोटो को डाउनलोड करते हैं, तो उनमें से कुछ तो अच्छे निकलते हैं लेकिन कुछ ब्लर निकलते हैं। तो उस ब्लर ब्लर फोटो को हम कैसे क्लियर करेंगे वो सीखने वाले हैं आज की वीडियो में हम। क्योंकि अगर फोटो ही ब्लर हो तो ड्राइंग कैसे अच्छा होगा, अगर फोटो अच्छा हो या फिर क्लियर हो फोटो तभी स्केच या फिर ड्राइंग अच्छा होगा। तो चलिए ब्लर फोटो को कैसे क्लियर करते हैं वो सीखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो पहले तो हमें गूगल से एक फ़ोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ, मतलब डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर हमें गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाकर हमें सर्च करना होगा रिमेनी, REMINI। ऐसे सर्च करने के बाद ऊपर में आ जाएगा। मेरा तो इंस्टॉल किया, फिर आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। फिर ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिया है मैंने। फिर आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है एनहेंस, यहाँ पे क्लिक कर, फिर आपने जो डाउनलोड किया था उस फोटो को यहाँ पे डाल देना। फिर राइट चिन्ह में क्लिक कर देना। फिर एक ऐड आएगा आपके डिस्प्ले पे, वो एक टास्क होगा, मतलब ऐड देखने के बाद ही आपको फोटो क्लियर मिलेगा। तो ऐड को मैं स्किप कर देता हूँ। फिर आप लोगों को फ़ोटो का क्लियर और ब्लर साइड दिखेगा। बिफोर में आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो था, मतलब ब्लर फोटो था, उसको दिखाएगा, और आप आफ्टर में आपको न्यू फोटो दिखाएगा, क्लियर फोटो। तो देख सकते हैं ये बिफोर है और ये आफ्टर, देख सकते हैं कितना फ़र्क है। यहाँ पे कितना ब्लर था वहाँ पे और ये कितना अच्छा कर देता है ये ऐप। तो जल्दी से जाके ये ऐप डाउनलोड करिए, इसका नाम है रिमेनी ऐप। रिमेनी करके आप लोग सर्च करना तो गूगल प्ले स्टोर में आ जाएगा। फिर इस फोटो को आप लोग सेव कर लेना और ड्राइंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ड्राइंग भी अच्छा ही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं आर्ट के बारे में।